मैं पढ़ लिया सी जमाल हुसैन फकीर दी कहानी। जद उसनु पुछया गया तुसी इतने आशावादी, बंदगी रोज कर दे प्राप्त कुछ नहीं होया पर निराश नहीं होए। इतनी आशा इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा एक किवें प्राप्त होई? कहन लगा एक चोर तो है। चोर तो चोर तो इतना वड्डा आशावादी जीवन? कहन लगा हा। उन्हें मित्र नूं इंज गल सुनाई कि मेरे घर विच एक चोर आया रात दी तारीकी दे विच। तो जमाल हुसैन अथा गरीब फकीर उन्हें आवाज मारी, मित्रा इत्थे दिन नूं कुछ नहीं लभदा, तेनू रात नूं की खाक लभेगा? की लभेगा? आ मेरे कोल बैठ, ठंड बड़ी है, एक कंबल है मेरे कोल, तो मेरी तोहीन ना करी, एक कंबल ले ले और कम से कम तेनू ए एहसास होवे कि फकीर दे घरों मैं खाली नहीं निकलिया, कुछ न कुछ मेरे हाथ लगे। तो एक कंबल है मेरे कोल, ऐ तू ले ले, रात बड़ी ठंडी है, बहुत ठंड पै रही है। इना बचना ने उस चोर दा मन मोलिया, आखिया मैं हुण चलिया किसे होर घर सन लाण। पर जमाल हुसैन ने कहा फिर आवी मेरे कोल इत्थे ठहरी, तू मेरा मेहमान बन, मेरे कोल ठहर। सवेरे होंदया होंदा वो चौर आया है पर कोल कुछ भी नहीं। फकीर पुछदा है कुछ है, कुछ हथ लग्या? कहिंदा नहीं, अज ते नहीं, शायद कल कुछ लग जाए। तो कल भी गया खाली हथ आया। जमाल हुसैन पुछते न कुछ मिलिया? कहिंदा अज ते नहीं मिलिया, कल शायद मिल जाए। तीसरे दिन भी ऐसा होया, चौथे दिन भी ऐसा होया, गालबन 20 दिन वो ऐसा कहिंदा रहा और 20 दिन तक तो उसके हथे कुछ नहीं लगया। और एक कोई सबक एक कोई रट उसने लाई, अज ते कुछ नहीं लभ्या कल। जमाल हुसैन कहिंदे मैं इथों ही अपने निराश हिरदे नूं आसा नाल भर लिया, अज नहीं रस आया प्रभु दी बंदगी ते शायद कल, अज नहीं खुदा मिलिया ते शायद कल। जे चोर इतना आशावादी है ते मैं साध होके इतना निराश हो जावा, इतना मायूस हो जावा? यदि चोर मेरे कोलों बहुत अग्गे है, बहुत अग्गे है। तो उन्होंने स्पष्ट किया ए ते मैं चोर कोल शिक्षा लई है। शेख सादी साहब ने उन्होंने शिष्या ने एक बहुत वड्डा प्रश्न किया, सादी साहब थोड़े कोल भूल नहीं आती कदी? जबकि हर मनुख रोज पता नहीं कितनिया कितनिया भूलां कर बैठता है, थोड़े कोल गलतियां नहीं आंदियां, इस वास्ते थोड़े कोल कदी पश्चाताप भी नहीं देखे। ये प्रेरणा तुसी कित्थों लई? आखण लगे अंधिया तो है, नावीन अंधिया तो। ओ किस तरह? कहण लगे मैं देखे जिन्ने चिर तक अगली जगह उस सोटी नाल लाठी नाल टटोल के वेख ना लैन, अपना पैर नहीं धरते, पैर ता रख देन अगे, पहले टटोल लेंदे ने, देख लेंदे ने। तो इस तो मैनू सबक मिलिया कि जगत विच कोई भी चीज ग्रहण करनी है उन्हों टटोल लेना है, देख लेना है, किसे पासे भी जाना है उन्हों टटोल लेना है, देख लेना है। अंधिया दी ए शिक्षा मैं जीवन भर पल्ले बनी है, मैनू कदी पछताना नहीं पिया, मैं कदी डिगया ही नहीं, क्योंकि टटोल लेना वेख लेना ए सच है कि नहीं, ए मेरे अनुकूल है कि नहीं, ए सच दे अनुकूल है कि नहीं, ए धर्म दे अनुकूल है कि नहीं। नहीं है, इत्थे मेरे पैर खिसक जाणगे, मैं डिग जावांगा, मैं उत्थे कदम ही नहीं रखता। ए शिक्षा मैं अंधिया तो लई। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत सुंदर इत्थे फरमान पै करदे ने, नाम जपदिआं अहंकार निर्माणता दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है, क्रोध दया बन जांदा है, लोभ संतोख बन जांदा है, काम सीमा विच हो जांदा है, मोह प्रेम दा रूप धारण कर लैंदा है। इस तरह जो जहर हलाहल सी
ओ अमृत दा रूप बन जांदी है। तो साहिब कहिंदे ने विरले संत जन ने जिन्हां ने इस जहर नूं अमृत दे जो है बदले है। साहिबां दा ए फरमान दसन बिहून भंगं मंत्रं गारड़ी निवारं ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद करमणे जत कत रमणं सरणं सरबत्र जीवने जो जिधर किधर रमिया होया ते सारे जीवां विच व्यापक है तथ लगणं प्रेम नानक परसादन गुरदर्शने गुरु दी कृपा द्वारा उस प्रभु नाल मेरा प्रेम लगया उस प्रभु नाल मेरा हिरदा जुड़िया जो जिधर किधर रमिया होया सारे जीवां विच व्यापक है।